नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो ABS का बारे में। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट पूछा था कि ABS क्या होता है और सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS है, उसका दोनों का बीच में वो डिफरेंट क्या है, मतलब उसमें फ़र्क क्या है। तो उसी के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले जो मैं बता देता हूँ, ABS का मतलब होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। वो जो सुपर बाइक, वो महंगी वाली बाइक, उसमें आता था। लेकिन आजकल गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स है, जो हर मतलब 150 सीसी का ऊपर कोई भी बाइक हो उसमें ABS कंपलसरी होना है। तो इसीलिए मतलब हर गाड़ी में कोई डुअल चैनल और कोई सिंगल चैनल ABS का साथ हर गाड़ी मतलब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सिंगल चैनल ABS में आता है, जैसे यामाहा FG वो एक सिंगल चैनल है, ड्यूक 125 वो भी सिंगल चैनल ABS है, और यामा FGS, ऐसा बहुत सारा गाड़ी है जो सिंगल चैनल ABS का साथ आता है। सिंगल चैनल ABS में क्या होता है, जैसे सामने वाला जो पहिया होता है, सामने जो पहिया में जो ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक होता है, उसमें एक छोटा सा रिंग होता है। वो रिंग ने क्या करता है, उसमें एक सेंसर लगा रहता है। उस सेंसर ने क्या होता है कि जैसे आप स्पीड से कहीं जा रहे हैं, सडनली आपको ब्रेक मारना पड़ा, तो उसमें क्या होता है, अगर गाड़ी में ABS नहीं होता तो वो दोनों जो टायर है ना वो लॉक हो जाता है। लॉक होके क्या होता है, टायर स्लिप होता है, स्किट होता है और फिर आप गिर जाते हैं। ऐसा मतलब अक्सर होता है। मेरा भी ये पहले का गाड़ी था, पल्सर 150 ब्लैक कलर का, उसमें मैं एक बार ऐसे ही गिर गया था, स्किट होके एक गाड़ी सामने से आ गया था, तो मैं उसको सडनली ब्रेक लगा दिया तो ऐसे गिर गया था। उस समय में ABS नहीं था बाइक में, ऐसे छोटा मोटा बाइक में। आजकल क्या होगा, जो छोटा मोटा जो 150 सीसी वाला गाड़ी उसको मतलब क्या है, जब ABS कंपलसरी कर दिया गया तो उसमें भी वो ABS मतलब डाल के दे दिया गया है। तो उसको सिंगल चैनल ABS है, उसका जो सामने पहिया जो सेंसर होता है उसमें क्या होता है, जब स्पीड से जाके जब ब्रेक लगाते हैं तो वो टायर जो है ना उसको लॉक होने नहीं देता है। उसमें एक सेंसर होता है, सेंसर ने क्या होता है उसको हर सेकेंड में 1000 टाइम लॉक अनलॉक ये सब मतलब स्लिप होने नहीं देता है। आपका जो स्पीड है ना उसको लिमिट को समझ के वो ब्रेक को लगाता है, उसको टायर को लॉक होने नहीं देता है। मतलब एक सेकेंड में 1000 टाइम ऐसे लॉक अनलॉक करके उसको मतलब जो स्पीड है ना उसको मेंटेन कर लेता है, और गाड़ी को जो स्पीड है ना उसको स्किड होने नहीं देता है। जैसे कि आप लोग पकड़ लीजिए, आप सिंगल चैनल ABS में चला के जा रहे हैं, अब पकड़ लीजिए पीछे वाला टायर, आप ब्रेक लगा दिया, फिर आप सामने वाला ब्रेक लगा दिया, तो सामने वाला ABS होता है, पीछे वाला नॉन ABS होता है। उसमें क्या होता है, जो उसका जो सिंगल चैनल ABS जो होता है ना, उसका सामने वाला जो रिंग है और पीछे वाला जो टायर है ना उसका साथ स्पीड वो मेंटेन करके, मतलब उसके साथ कॉम्बिनेशन मिला के दोनों वो ब्रेक के साथ गाड़ी को ब्रेक से रुकाते हैं। मतलब उसको उसका लिमिट जो है ना वो पीछे वाला टायर का मतलब वो समझ जाता है कितना स्पीड से आ रहा है। वो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, तो उस हिसाब से मतलब दोनों का पहिया का स्पीड एक करके उसको गाड़ी को रुका देता है। और वही मतलब जो सामने रिंग होता है उसी का जो सेंसर है उसी ने मतलब बता देता है कि आप कितना में हार्ट मतलब कितना स्पीड से आप ये लॉक नहीं होगा, मतलब जो ब्रेक कितना जोर से पकड़ने से जो उसका ब्रेक का पहिया जो पकड़ता है सामने वाला डिस्क में, वो कितना स्पीड से पकड़ने से उसको लॉक नहीं होगा वो बता देता है। डुअल चैनल ABS में वही सेम है। डुअल चैनल ABS में क्या होता है, जो सामने वाला पहिया उसमें जो ABS रहता ही है उसका पीछे वाला भी रहता है, मतलब पीछे वाला पहिया उसमें भी जो डिस्क ब्रेक होता है उसमें भी एक छोटा सा रिंग रहता है, उसमें एक सेंसर होता है ब्लैक कलर का। ऐसे वो सेंसर ने मतलब जैसे आप स्पीड पे चला के जा रहे हो, सेंसर ने बता देता है कि गाड़ी कितना स्पीड में जा रहे और उसको ब्रेक लगाने में कितना में उसको स्किड नहीं होगा, वो मतलब ब्रेक छोड़ना पकड़ना ऐसे करके मतलब वो अपना लिमिट से दोनों पहिया को एक साथ मतलब रुका देता है। जैसे आजकल रॉयल इनफील्ड में नया एक सिस्टम आया कि उसमें जो पीछे वाला ड्रम ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक में भी उन लोगों ने ABS डाल दिया है। कमाल है, रॉयल इनफील्ड का कोई जवाब नहीं है। तो ऐसा मतलब हर गाड़ी में जो ABS है वही काम करते हैं। मतलब आपको जैसे आप नॉर्मली बोला तो आप स्पीड से कहीं जा रहे हैं, सडनली किसी को ब्रेक मारना हुआ, स्पीड ब्रेक आ गया, कोई आगे से कुत्ता और बिल्ली आगे से क्रॉस कर लिया, आपको सडनली ब्रेक मारना है तो आप ब्रेक लगा भी दिया तो अगर ABS रहेगा तो आप उसको मतलब स्किड करके गिरेंगे नहीं, आपको गाड़ी को आराम से रुका देगा। अगर नॉन ABS होता तो उसमें क्या होता है, कभी कभी टायर लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के बाद क्या,
वो गाड़ी मतलब स्लिप होने सॉरी गाड़ी हाँ जो टायर है स्कीट होकर ऐसे गिर जाता है, लेकिन अगर ABS होता है उसमें गिरता नहीं है, आप लोग सेफली मतलब गाड़ी को रुका देता है और टायर को लॉक होने नहीं देता। तो दोनों का बीच में वही डिफरेंट है, सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS का बीच में वही डिफरेंस है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बाय बाय।